तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर बात करने वाले हैं। सुबह सुबह हम दोस्तों करंट अफेयर आप लोग के पहला कर देते हैं। दोस्तों आज का हमारा 19/6/2021 का करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा दोस्तों मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून को। जब जून कब आता है दोस्तों? हमने बताया था 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। देखिए जून कब आता है दोस्तों? तो जून के हम सभी आपका दिवस रिपीट करते हैं। 1 जून को मनाया गया दोस्तों दुग्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। 2 जून को मनाया गया तेलंगाना दिवस। 3 जून को मनाया गया साइकिल दिवस। 5 जून को मनाया गया पर्यावरण दिवस। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। 8 को मनाया गया हमारा विश्व महासागर या विश्व समुद्र दिवस। 9 को मनाया गया प्रत्यायन या बलिदान दिवस। 12 को मनाया गया बाल श्रम के लिए हमारा खिलाफ दिवस। हमारा 13 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस। 14 को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस। और हमारा जो 15 जून को हमने कल बताया दोस्तों कि 15 जून को मनाया गया था विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। और हमारा 16 को मनाया गया था अफ्रीकी दिवस। ठीक है, आज हमारा 17 को मनाया गया विश्व मरुस्थली। देखिए जो मरुस्थल सूखा है उसका रोकथाम के लिए हमारा ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि पूछा गया विश्व के मरुस्थल का कितना प्रतिशत मरुस्थल, तो 5% दुनिया हमारा मरुस्थल। जिस तरह आपको पता होगा कि विश्व में हमारा 71% जल, उसी प्रकार 5% क्या है दोस्तों? मरुस्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आया क्वेश्चन कि दुनिया का पहला उपग्रह, ठीक है, तो हमारा ये करेगा न्यूजीलैंड लॉन्च, न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। जबकि हाल ही में आपको पता होगा कि जापान भी बना लिया लेकिन अभी लॉन्च नहीं करेगा, लेकिन ये लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? न्यूजीलैंड का। अब न्यूजीलैंड का नाम आया दोस्तों, तो ये हमारा रहा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का पूछेगा आपको कि खोज किसने किया था, तो आपको पता कैप्टन कुक के द्वारा खोज किया गया था। किसके द्वारा? कैप्टन कुक के द्वारा। जबकि न्यूजीलैंड का राजधानी पूछेगा तो वेलिंगटन है। ठीक है, ये किस महाद्वीप में पड़ता है? ये तो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंस ऑर्डर। ठीक है, जेसिंस ऑर्डर। जबकि यहाँ पर पता है आपको पता न्यूजीलैंड जो हमारा जलवायु परिवर्तन कारण करने वाला पहला कौन कौन बनाया था, तो न्यूजीलैंड। क्लाइमेट चेंज हमारा जो है एक्ट कौन बनाया था, तो हमारा सबसे पहले बनाया था दुनिया ये हमारा न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्तों, देखिए न्यूजीलैंड हमारा जो है सबसे नीचे पड़ जाता है। ठीक है, इसे तो हमारा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजा पर्व उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। दोस्तों इसका अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कर आप एक थोड़ा एक सेकेंड के लिए आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, आंसर कर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा रहा चित्र में उड़ीसा। उड़ीसा का पूछेगा आपको मुख्यमंत्री कौन है, हमारे पता होगा नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर राज्यपाल का बात किया जाए गणेशी लाल। उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ का हाईकोर्ट आपको पता होगा कि हमारे कटक पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है? जबकि यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, तो हमारे मुरलीधर हैं। कौन है? मुरलीधर। और यहाँ का पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या, तो आपका 11। अगर पूछेगा 21 अगर राज्यसभा पूछेगा सीट की संख्या हमारा, तो 10। विधानसभा पूछेगा तो 147। दोस्तों उड़ीसा के बारे में हमने बहुत बार बताया होगा कि अभी जो है यहाँ का एक हमारा जो है आपको पता होगा कि काला हिरण की संख्या दुगनी किस राज्य में हो गई है, तो हमारा उड़ीसा में हो गया। बारामती स्टेडियम कहाँ है, तो उड़ीसा में है। सिंपली पाल अभ्यारण कहाँ है, तो हमारा उड़ीसा में है। ब्लैक पैगोड़ा टेंपल कहाँ है, तो हमारा यहीं है। राउरकेला, आपको पता होगा कि राउरकेला हमारा जो है एक हमारा स्टील प्लांट भी है। ठीक है, जो कि आपको पता होगा राउरकेला किसकी सहायता से लगाया गया था, हमने बताते हैं बार बार कि RBT राउरकेला, और बी से आपका हो जाएगा हमारा राउरकेला, अब बी से आपका भिलाई, और डी से दुर्गापुर। तीनों स्टील प्लांट एक ही साल लगाया गया था। आपका जो है पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीनों हमारा जो RBD राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, तो देखिए बी से बोकारो नहीं करेगा, बोकारो जो लगाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, झारखंड वाला। ठीक है, तो हमारा जो है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो हमारा उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, हीरा कुंड बांध कहाँ है, आपका उड़ीसा में है। हीरा कुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। उड़ीसा का सौरव ऑफ उड़ीसा, तो हमारा
कौन नदी को कहते हैं, तो महानदी को। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में हमारा जो है ISO सर्टिफिकेट किसे प्राप्त किया गया था हमारा, तो हमारा उड़ीसा को। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा जब आप अशोक के बारे में पढ़े होंगे तो उड़ीसा में एक जगह पड़ता है कलिंग, कौन जगह पड़ता है दोस्तों, कलिंग। ठीक है, और कलिंग का युद्ध कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। जबकि पूछा गया चिल्का झील कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में। जबकि खारे पानी की झील हमारा, ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो हमारा उड़ीसा में है। ठीक है, अगर आपको पता होगा नुआ खाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो एक धनुयात्री पर्व त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। आपको पता होगा कोणार्क मंदिर हमारा जो है किस चीज़, किस नोट पर मंदिर का अंकित है। ठीक है, कोणार्क मंदिर जो दोस्तों किस नोट पर उसका फोटो चित्र अंकित किया गया है, आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन वायु नामक उपकरण किसने लॉन्च किया है? देखिए, जीवन वायु नामक लॉन्च किया दोस्तों, याद रखिएगा ये हमारा किया गया है रोपड़ के द्वारा। जीवन वायु नामक उपकरण ये हमारा इक्विपमेंट टूल है क्या? देखिए, ये हमारा दिखाया गया जीवन वायु नामक उपकरण, इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है हवा के द्वारा, ये चित्र आप देख कर लगा सकते हैं कि जीवन वायु नामक उपकरण किसने लॉन्च किया, तो IIT रोपड़। देखिए दोस्तों, IIT का नाम आता है तो IIT है क्या, इसका कोई फुल फॉर्म आ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका स्थापना 1951 में किया गया था। भारत में कुल 23 IIT है, जिस तरह IIT पंजाब, IIT रोपड़, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, ये सब हमारे क्या हैं, IIT कुल मिलाकर आपका जो 23 IIT है। ठीक है, तो मेरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पायरोसिटिया लालजी प्रजाति संबंध किससे है? पायरोसिटिया जो लालजी जो प्रजाति किससे संबंध है, तो ये हमारा कॉफ़ी से संबंधित है। और ये कहाँ देखने को मिला है, ये हमारा अंडमान निकोबार में देखने को मिला है। ठीक है, तो अंडमान का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा रहा अंडमान। अंडमान निकोबार का राजधानी पूछेगा दोस्तों तो पोर्ट ब्लेयर, कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर एक हमारा पता है आपको, हवाई अड्डा है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, और आपको पता होगा ये हमारा अंडमान निकोबार जो हमारा है, यहाँ का एक चोटी है, उस चोटी का नाम है सैडल पिक। कौन है, सैडल पिक। और हमारा आपको पता होगा भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हमारा ज्वालामुखी का नाम है वैरन ज्वालामुखी, इसी को कहते हैं वैरन द्वीप ज्वालामुखी। ठीक है, पूछेगा अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप है, तो 572 छोटे छोटे द्वीप है। ठीक है, तो ये प्रजाति किसकी है, तो हमारा कॉफ़ी है। जब कॉफ़ी का नाम है तो कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश पूछेगा तो ब्राज़ील, जबकि अगर पूछेगा कॉफ़ी का उत्पादन राज्य कौन करता है, तो कर्नाटक। कॉफ़ी हमारा जो है, आपको पता होगा कॉफ़ी के हमारा ब्राज़ील में बगानों को क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। जबकि पूछेगा ब्राज़ील के हमारे लिए जो है कॉफ़ी के लिए कौन सा बंदरगाह से दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, तो वो हमारा बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह। कौन है, सेंटोस बंदरगाह। देखिए दोस्तों, सेंटोस बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा गाजा पट्टी पर फिर से हमला कर दिया गया? दोस्तों ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है, इजराइल ने फिर दोबारा हमारा जो है इस पर हमला कर दिया। ठीक है, गाजा पट्टी पर फिर हमला किया। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा गाजा पट्टी पर दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों ये हमारा किया है, याद रखिएगा, कुवैत ने। कौन किया, कुवैत ने। कुवैत का नाम है दोस्तों, तो कुवैत का आपको राजधानी पता होगा कि हमारा कुवैत सिटी है। और दोस्तों समझेंगे, ये हमारा भारत और ये हमारा जो किया गया कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता, इसमें है क्या, इसमें कहा गया है कि 24 घंटा कुवैत देश जो हमारा है, भारतीय के लिए किसी प्रकार का समस्या होता है तो उसके लिए सामना करने के लिए कुवैत हमारा देश तैयार रहेगा, भारत के किसी भी नागरिक के प्रति। ठीक है, तो ले दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किस देश में किया गया? दोस्तों ये हमारा किया गया है केनिया में। कहाँ किया गया है, केनिया में। तो महात्मा गांधी का पुस्तकालय का उद्घाटन हमारा केनिया में किया गया है दोस्तों, तो केनिया है दोस्तों, ये रहा केनिया देश। ठीक है, केनिया का राजधानी पूछेगा हमारा तो नैरोबी। और आपको दोस्तों हमने बताया था केनिया में किसका मुख्यालय है, बताया था UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और यहाँ की एक महिला थी, हमारे महिला जज बनी थी, मार्था कुम। ठीक है, मार्था कुम कहाँ की थी, केनिया की थी। ठीक है,
केन्या किस महाद्वीप में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में पहला स्थान किस देश का रहा? ठीक है दोस्तों, पहला स्थान अगर पूछेगा दोस्तों तो ये हमारा रहा इंडिया का। आखिर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? दान देने वाला, यानी दान देने वाला पहला देश टॉप वन में कौन है दोस्तों? तो ये हमारा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा रहा चित्र में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया राजधानी कहाँ है? जकार्ता। ठीक है, कहाँ है? जकार्ता। अगर पूछेगा कि हमारा भारत का इसमें स्थान क्या हमारा दोस्तों, तो भारत का स्थान चौदहवां नंबर पर। दूसरा बात क्या है, दूसरा देश कौन है? तो हमारा केन्या है। तीसरा पूछेगा तो हमारा नाइजीरिया है। चौथा हमारा म्यांमार है। पांचवा पूछेगा तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। भारत कितने नंबर का है? तो चौदहवें नंबर का। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, जितने भी इंडेक्स जारी किया गया, सतत विकास लक्ष्य, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट, अगर आपको सभी का इंडेक्स चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो हमारा ये हमारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के बारे में हमने बता दिया दोस्तों। अब इंडोनेशिया का नाम आया तो कुछ इंडोनेशिया के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। अगर पूछेगा हमारा यहाँ पर एक हमारा अभ्यास चलता है गरुण शक्ति आपका जो है, सिर्फ गरुण पूछेगा तो भारत और फ्रांस के बीच। यहाँ का राजधानी जो है अभी, यहाँ का दोस्तों याद रखिएगा, राजधानी चेंज कर दिया गया। जकार्ता जो है अभी, जो बोला जा रहा है कि समुद्र के माध्यम से यह राजधानी कभी भी डूब सकता है। ठीक है, इसका नया राजधानी नाम रखा है पूर्वी काली मंथन। याद रखिएगा, पूर्वी काली मंथन। जिस तरह श्रीलंका का राजधानी बहुत लोग को पता है कि अभी कोलंबो है, लेकिन जयवर्धने कोटे हो गया। ठीक है, और हमारा जो है अभी इंडोनेशिया में हमारा एक ज्वालामुखी हुआ था, माउंट मेरापी। ज्वालामुखी कहाँ है? तो हमारा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में कुछ दिन पहले निकला था। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। और आपका नाम आया दोस्तों ये इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया का राजधानी उन्होंने बता दिया, इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों एक ही साथ है दोस्तों। और दोनों का राष्ट्रीय खेल याद रखिएगा बैडमिंटन है। क्या है? बैडमिंटन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती के लिए अनुमति दे दिया है? तो हमारा ट्रांसजेंडर के बारे में दोस्तों बता दिया है कि हमारा जो हाल ही में आपको उड़ीसा के द्वारा ट्रांसजेंडर का नाम है दोस्तों। ट्रांसजेंडर के बारे में हमने बताया था कि हाल ही में किस देश के ट्रांसजेंडर को कंपनी में काम करने के उसको कर मुक्त करेगा, ये हमारा बांग्लादेश था। ठीक है, आज हमारे उड़ीसा ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती की अनुमति दे दिया है। इसमें ट्रांसजेंडर को हमारा जो है क्या होगा, जागरूकता बढ़ाने के लिए भी किया गया है। और अभी हाल ही में SI का जो पद निकला उसमें जो है ट्रांसजेंडर को भी भर्ती के लिए अनुमति दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा उड़ीसा का नाम दोस्तों हमने बता दिया था। अभी उड़ीसा के बारे में पहले ही हमने बता दिया पूरा, फिर यहाँ के CM कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के भागलपुर के जरदालू आम को किस देश के लिए भेजा गया? तो ब्रिटेन के लिए। अभी हमने बताया था जरदालू आम हमारा भागलपुर से, पता था आपको कि भागलपुर से कहाँ गया था दोस्तों? हमारा दिल्ली गया था राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास। अब भागलपुर से आपका फिर कहाँ भेजा गया दोस्तों? ये दरभंगा दोस्तों कहाँ भेजा गया? दरभंगा से फिर आपका ब्रिटेन के लिए भेजा गया। अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था लीची, जो शाही लीची हमारा गया था ब्रिटेन। ठीक है, अभी हमारा जो है जरदालू आम को भेजा गया। ठीक है, कहाँ भेजा गया? तो ब्रिटेन भेजा गया। ब्रिटेन का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। ठीक है दोस्तों, हमने बताया था ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, तो आपको लंदन। लंदन किस नदी किनारे? तो टेम्स नदी किनारे। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि हमारा ब्रिटेन के बारे में हम बता देते हैं दोस्तों, ब्रिटेन अगर पूछेगा आपको, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों हमने पिकल वाले वीडियो में क्वेश्चन आप लोग से नहीं पूछा था, लेकिन आज क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा किसने किया? मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा किसने किया? अगला क्वेश्चन है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का आधार का शिलान्यास किसने रखा था? दोस्तों ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए पूछ रहे हैं, दो क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा ये गलती है, लेकिन आप लोग को हम लोग को कितनी मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो का कमेंट नहीं करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो का कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को आपको हमारा जो खुशी मिलती है दोस्तों, और अपने पास दोस्तों के पास शेयर करेंगे दोस्तों, और शेयर करेंगे दोस्तों तो हम आप लोग के लिए एक हमारे खुशखबरी और हम लोग देने वाले हैं आपको दोस्तों। लेकिन आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
शेयर करें दोस्तों। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, इसका PDF हमने लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया दोस्तों, आप अपलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों आपका दिन शुभ।